धन्यवाद आप लोगों का। ही एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति धामी ब्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग होने वाला है मेरे देवर की बैचलर पार्टी। नाम की बैचलर पार्टी है बट हम सभी उस पर इन्वॉल्व होने वाले हैं। मैं और मेरे देवर वगैरह, मेरे हस्बैंड, मेरी कज़न, मौसी, बहुत सारे लोग। तो ये सौरभ के लिए थोड़ा बहुत सरप्राइज़ होने वाला है। पार्टी करेंगे करके तो उसे पता है, बट जो भी डेकोरेशन वगैरह होगा वो, तो पार्टी की प्लानिंग हमने भरकटिया में मेरे मायके में मेरे घर पे करी हुई है। क्योंकि हमारा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पूरा खाली है, तो हम लोगों ने प्लान करा है कि हम घर पे ही सारी चीज़ें करने वाले हैं। और तो लेट्स सी पार्टी कैसी होती है। तो रवि भैया और दिव्या आ गए हैं, डेकोरेशन स्टार्ट कर दी है, तो देखते हैं कैसे डेकोरेट कर रहे हैं। दिव्या और रवि भी आ गए हैं और बाकी मेरे भाई लोग भी यहाँ पे बैठे हैं सारे बलून फुलाने में। तो हम पार्टी इसी रूम पे करने वाले हैं, सामने वाली वॉल पे हम डेकोरेट करने वाले हैं। बाकी थोड़ा इंडोर होगी पार्टी, थोड़ा आउटडोर। असली स्ट्रगल ये है पार्टी के पीछे का, है ना। दूल्हा तो आएगा, बस एंजॉय करेगा, पार्टी करेगा, उसको दिखना चाहिए। अभी तो खैर सरप्राइज है, लेकिन वीडियो में देखेगा उसे पता चलना चाहिए कितना हम स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे, कितनी मेहनत है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, इसको मैंने हमारा फर्स्ट है, काला वाला चिपका ले, इसके काला वाला बोलो इसमें मजा नहीं आया, उसमें मजा नहीं आया, वो थोड़ा दूर हो गया। वो तो नहीं, वो दूर नहीं हुआ भाभी, ये हटा है, ये अभी तेरे को। अच्छा अच्छा, अब इसको हटा ही दो वैसे भी। वेरी गुड वेरी गुड है, वैसे भी यहाँ पे ये चारपाई हटा देनी है। और वहाँ पे एक बलून लग जाएगा, स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ। सारी हवा बाहर निकाल दी है रवि भैया ने अपने बलून फुला फुला के। मेहनत करने के बाद थक चुके हैं और इनके लिए मैगी बनाई गई थी, मैगी एंजॉय कर रहे हैं। कैसी हो रही भैया? मजदूर नहीं हुए। तो वो सौरभ आ चुका है और हमारा डेकोरेशन अभी तक इनकम्प्लीट है। बलून सारे नीचे फैले हुए हैं क्योंकि भैया भी नहीं थे यहाँ, और अभी सारे बलून ऊपर छत पे लगाने हैं। हमारे अभी आधे डेकोरेशन हो रखे हैं, वर्क इन प्रोसेस। फाइनली हमारे डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने कैसे डेकोरेशन करा है। तो ये रहा फाइनल डेकोरेशन का लुक, कुछ ऐसे हमने डेकोरेट करा है। अभी भी काम चल ही रहा है, मेहनती बच्चे, अभी भी काम चल रहा है। विनोद और दिव्या अभी भी बलून फुलाने में। वेरी गुड। ये रहा हमारा केक, ग्रो ग्रोबी, हैप्पी बैचलर पार्टी टू सौरभ भैया। हेलो, फाइनली अब हम सौरभ भैया को बुलाने वाले हैं। सरप्राइज तो सरप्राइज रहा नहीं, क्योंकि मौसी ने सारा कुछ उम्बर कर दिया था। मौसी ने बता दिया था कि हम लोग नीचे डेकोरेशन कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने अभी देखा नहीं है, तो सर भैया को बुलाते हैं। लेट्स सी। Yes, yes.
भैया केक काटने वाले हैं। धन्यवाद आप लोगों का। Are you excited? अरे बहुत ज्यादा। बहुत 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 धन्यवाद आप लोग, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। पेट क्या? पेट मेरा बाहर है, बोल रहे ये बोल रहे थे कि मेरा पेट अंदर ही जाएगा जब तक मेरा रिसेप्शन के टाइम पर। ये सलाद कट चुका है क्योंकि हम लोग छत पे हैं तो थोड़ा लाइट वाइट कम है, बाकी लोग बैठे हैं यहाँ पे। दिव्या तो सलाद एंजॉय कर रही है। क्या मतलब होता है एक्चुअली कल का, क्योंकि कल मैं वीडियो एंड नहीं कर पाई तो मैं अभी मॉर्निंग पे वीडियो एंड कर रही हूँ। तो हम लोगों ने तो काफ़ी इन्जॉय करा, आई होप वीडियो देख के आप लोगों ने भी इन्जॉय करा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।